गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू इवियन नावल व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं अभी 5:30, है तो मैं उठ चुकी हूँ। और जैसा आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि कल का दिन मतलब आज का दिन थोड़ा सा हैक्टिक होने वाला है हमारे लिए, तो सुबह सुबह उठ गए जिस टाइम पे हम सो रहे होते थे, और मैं और ज़्यादा सोती क्योंकि छोटे टाइम छुट्टी वाले दिन में ज़्यादा ही सोती हूँ। तो मैं उठ चुकी हूँ और ये मेकअप कर लिया है सुबह सुबह, हल्का सा मेकअप कर लिया है, और बस अभी निकलेंगे यहाँ से, कहीं जा रहे हैं हम लोग। जब पहुँच जाएंगे कहीं पे तो वहाँ दिखाएंगे आपको। तो पीछे आप देख सकते हो नानू भी उठ चुकी है। हाँ ये बेटा, गुड मॉर्निंग कौन बोलेगा नाना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये अंगड़ाइयाँ लेते हुए ढोलू, पानी पीती हुई नानू, ये मैं। तो निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपको जहाँ हमें जाना है वहाँ पे। हम पहुंच चुके हैं हमारे लोकेशन पे, शूट लोकेशन पे जहाँ हम आने थे। और सुबह सुबह यहाँ पे इतनी भीड़ हो चुकी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। कितना भी जल्दी आ जाओ, सैटरडे संडे अक्सा बीच मतलब फुल भरा रहता है। हम आए हैं अक्सा बीच, दिखाया जाए जो बीच जैसा नहीं लग रहा है, पानी क्यों है कि है ही नहीं। ये देखिए, दूर दूर तक हम वहाँ से चल के आ रहे हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, और सनराइज हो रहा है। ओ नानू, सनराइज हो रहा है। सनराइज होने के पहले हरकतें कर लेते हैं। और ये नानू हमारी। गाइस हम वो वाले बीच आए जो हमारे घर के नजदीक है। हाँ यार, ये भी हमारा फिर से। गाइस हम वो वाले बीच आए जो हमारे घर के बहुत ही नजदीक है, सब कुछ हमारे घर के पास है, हम इसलिए बहुत खुश है। यस, अभी थोड़ी देर के बाद में सनराइज। देखिए जरा कितना सही दिख रहा है, द रियलिटी ऑफ बीच। ये देखो हम कैसे आए, बहुत इतना दूर से हम आ चुके हैं, और फाइनली हमें यहाँ पे पानी देखने मिल गया है। और यहीं पे जल्दी से शूट कर लेते हैं हम फटाक से, मेरे को भी लो जाओ। ओ भाई सही लग रहा है। ला, 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 ला। बस यही करना है गाइस हमें। हम कितने दिनों बाद आए हैं, महीनों बाद बोल। हाँ। और गाइस देखो, अब मेरा काम है यहाँ पे शूट करना, तो ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। मैं इसमें तो ऑफकोर्स शूट नहीं करूंगी, नाइट सूट वाला ड्रेस। ड्रेसेस चेंज कैसे होती है? ओके, ये इट्स अ बिग टास्क। ओके, ये देखो नीचे मैं ऑलरेडी पहन के आई हूं, जिसे मुझे शूट करना है। ओके ओके, ये देखो ये देखो, ये हो गया फर्स्ट कॉस्ट्यूम रेडी। अब हम दूसरे लुक के लिए बाद में मिलेंगे, शूट कर लेते हैं। जैसे कि एक आउटफिट हो चुका है कंप्लीट, ये रहा दूसरा आउटफिट। पैर में पूरे में रेत के लग गए, तो और क्या लगेंगे बीच में, ऐसे होते हैं। दो दो प्री वेडिंग शूट चल रहा है। सनराइज हो चुका है, और हमें वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, वहां तक वापस चल के जाना है। ये देखो ये देखो, ये आर्टिस्ट कट, ये आया शॉर्ट्स, तभी तो क्या आउटफिट भी ले लो। अब होगा लाइट में लाते हुए हम इसको ऐसे दिखाएंगे। ये देखो ये देखो, बस बस बस, लोकेशन चेंज हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर पहन सकते हो। ओ वाओ, मिल गया। तो सन थक गए वैसे, टमाटर मार बहुत थक गए हैं। मैं चश्मा, ये चश्मा लाती है, ये लगाती नहीं है, पर ये लाती है लगाती नहीं है, पर मैं लाती हूँ और मैं लगा भी लेती हूँ, मैं अच्छी लड़की हूँ काफी। गाइस अब बोलो कैसे लग रही हूँ मैं, जल्दी बताओ। सन चमाट मारो जल्दी कर, पागल लड़की आई हमारा यहाँ से जाने का। अब हम जा रहे घर, इसको लग रही है भूख, देखते हैं अगर कुछ रास्ते में खाया तो खा लेंगे। चल ले, अभी चल खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। चल कहदे तो बन जा। वाह वाह, बहुत ही भाई याद गाया तुमने आज। आही फिरूं इन हवा में। गाइस मैंने बोलता मैं गोवा आऊंगी, देखो मैं गोवा आ गई। मेरे चश्मे कहां है? मेरे चश्मे ये रही, क्या हमने स्पॉट बॉय के पास। ये देखिए गाइस, हमें उधर जाने आप हमें पहचान नहीं पा रहे होंगे, हम ज्यादा फॉरेनर जैसे तो नहीं लग रहे आप? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। बेटा मैं उधर जाने क्यों टेढ़ी चली जा रही है? लड़की हो क्या, ये लड़की पागल है क्या? हाँ बहुत ज्यादा। इतना वॉक करने के बाद अभी भी हमें आधा रास्ता और कवर करना है। आप देख सकते हो लोग खड़े ना वहाँ थे, हम वहाँ पे, वहाँ से यहाँ तक हम वॉक करके आ गए, और अभी हमें कहाँ जाना है? आगे सीधा वो जो दुकान है उससे पीछे की तरफ जाना है वॉक करके। Let's go. Let's go, guys. Let's go. यही है जो आपको प्रोफाइल दिखती है ना, उसके पीछे का राज। ये जो बोलते हो ना स्ट्रगल, इतनी मेहनत करनी पड़ती है भाई। पापू बाबू भैया क्या बोलते हैं, पापी पेट का सवाल, पापी पेट का सवाल है बाबू भाई। वैसे पापी पेट का सवाल नहीं है ये, हमारा खुद का शौक है, शौक है ये, तो हम कर लेते हैं।
तो सुबह उठ के जो हमारा संडे सॉरी संडे मिस आउट किया है हम लोगों ने, उठ के सो के आए, सोने के टाइम पे हम यहाँ पहुँच गए। वैसे हम घर जाके सो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, वो तो बनता है यार। पर अभी थोड़ा काम है, देखते हैं अगर मेरे को जाना है वहाँ डी मार्ट जाना है। कच्ची कह रही ये मैंने भी ऑफिस में खाया था, विनाश ने खिलाया था, ये भी कुछ कुछ चीज़ें हैं भैया कह रही देना। ये देखो दो तरीके के, एक रेड कलर के और एक ये लिया इन्होंने, इस पे रख ट्राई कर ले, थोड़ा सा तो करूंगी ना बिल्कुल। मेरे हाथ आम पापड़ जैसा है, नानू ने खाए खून वाले आम, दांत दिखाओ, टीथ देखो, ये वैम्पायर बन चुकी है, शी इज अ वैम्पायर नाउ। शिव सुंदरी पे बैठ चुके हैं, बस अब निकल जाएंगे घर की ओर। मारवे बीच एक्चुअली अक्षा बीच से घूमते हुए जा रहे थे, तो अक्षा बीच के बीच में ही पड़ता है ये, तो हमने सोचा एक लेफ्ट टर्न लेके ये भी दिखा दिया जाए आपको। तो हम आए आपको दिखाने के लिए, यहाँ से चलती है जेटीज, यहाँ से मतलब वो फेरी जो आपको सामने दिख रही है बोट जैसा, वो कहीं कहीं दूर दूर लेके जाती है अलग अलग जगह पे। नाम सुना है अलीबाग लेके जाती है यहाँ से, और बरसोवा बीच लेके जाती है, और भी कहीं भी बहुत सारी जगह है वहाँ लेके जाते हैं। हम सिर्फ दिखाने के लिए लाए थे, हम जा रहे हैं घर, चलो। हम आ चुके हैं डी मार्ट, और हमने ना पहले ये वाली बास्केट ली थी छोटी वाली, हमें नहीं लेना था कुछ, हमने ना अभी लेना है, इसके लिए हमें ट्रॉली की जरूरत नहीं है। रुको, और हम ना अभी ये दो ले लिए, फिर ये भी उठा लिया, अभी तो स्टार्टिंग है अभी, और हम पूछने वाले हैं अब देखना हम क्या क्या लेने। एक्चुअली हम जो लेने आए उसके लिए हमें ट्रॉली की जरूरत ही नहीं, और जो हम लेने आए वो दिखाएंगे किस तरह से है, वो पॉकेट में आ जाएगा सामान, बट वो हम दिखाएंगे, वो हम कर जाएगा। हाँ ठीक है, पर ट्रॉली जरूर दिखाएंगे, पर ये देखना अब सामान कितना होगा इसमें, हमें खा दिया आपको, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं लेना है। और आज गाइस वेट, तो यहाँ होता है पूरा भरते हुए, और हम लेने आए थे पता है बस इतना सा सामान, वैसे हम ऐसे कुछ चीजें लेने आए थे, एक आध चीज तो वो ना ले, वो छोड़ के मतलब वो तो ले, वो भी ले ली, और बहुत सारा सामान भी ले लिया। मतलब आज कॉफी चाय पपाया एंड हम नए बिस्किट लाए हैं वो, और एक लाए हैं फैन जैसा कुछ, कुछ। ये भरा हुआ सामान, ये पूरा भरा हुआ सामान है, उसके बाद घर आने के बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी आ गए, फिर हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर घर की सफाई करेंगे, और आज होएगा घर में सेटअप नया, तो वो आप देखोगे। yes. डेकोरेशन हमारी ये है, जब भी आप वीडियो में देखोगे तो ऑस्कर और नानू वहीं खड़े रहेंगे कोने में बिल्कुल तो जैसा भी आपको बताया था कि वो वाला एरिया बैग खाली कर दिया हमने, और यहाँ पे हम कुछ और लगाने वाले हैं। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप यही डेकोरेशन जो हमारे दोनों बच्चे अच्छा हैं वो आपको बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या आपको ऐसा डेकोरेशन ज्यादा अच्छा लग रहा है, या फिर जो अब हम करेंगे वो ज्यादा अच्छा। सुधु करिए टी शर्ट में दिखाइए उसमें, ऐसे किया जो तो बता रही है कि वीडियो में आपने देखा होगा कि नानू कुछ तो बना रही थी, वो स्टूल जैसा पता नहीं क्या, तो वो जो हम बना रहे थे वो आज आपको दिखेगा कि वो एक्चुअली में था क्या। तो यहाँ पे आपने पहले वीडियो में देखा होगा, या फिर जिन्होंने नहीं देखा है तो उनको मैं बता दूँ, यहाँ पे हमने ना कुछ कुछ चीजें लगाई, दिख रहा है आईफिल टावर, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमने जो सामान लगाया था वो हटा दी, क्योंकि हमने बहुत जल्दी बोर करा दी सब चीजों से, तो मैं भी बोर होगी, और मैंने बोल बोल के नानों को भी बोर करा दिया, तो नानों ने खुद ही हटा दिया, मेरे को बोलना भी नहीं पड़ा। और ऊपर तो कुछ अलग चीज लाने के लिए हमने कुछ कुछ नया चीजें लाई है, वो आज हम यहाँ लगाएंगे और आपको दिखाएंगे, आप बताना कैसा है ये, कुछ दिन के साथ भी क्या फाइनल लुक होगा, फाइनल लुक देखने के बाद आप बताना कैसा लग रहा है, फाइनल लुक होगा पूरे घर के सफाई के साथ बाद में, पर अभी हम थोड़ा सेटअप करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको भी मिलता ही रहेगा। अच्छा ठीक है, फाइनली आ चुका है हमारा लैंप, थोड़ा अलग बनाना था, तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे अब लैंप लगाएंगे, कहा है यही लैंप चाहिए था मुझे बहुत टाइम से, मुझे फ्लोर लैंप चाहिए था, फ्लोर लैंप। एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने किसी को बोला था कि मुझे लैंप चाहिए, तो उन्होंने टेबल लैंप दे दिया, बट ठीक है टेबल लैंप हमारे घर पे क्योंकि जगह नहीं है, और मैं इस टेबल पे इतना बड़ा लैंप नहीं रख सकती, तो मुझे ये वाला लैंप चाहिए था, तो ये वाला लैंप आ चुका है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें तीन ऑप्शन है चीजें रखने के, ये हमारा पेंगू है ओके, तो ये हमारा जो पेंगू है जो ये हमारा पेंगू है, ये ना एक्चुअली गुल्लक है, इसे कहते हैं पिगी बैंक, इसमें यहाँ से पैसे डलते हैं और यहाँ से निकलते हैं, और ये हमें जरूरत है इसकी, इसलिए हमने बाहर रखा हुआ है, इसलिए हम इसको यहाँ रखेंगे, और नीचे वाले में अभी हमने सोचा नहीं कि क्या रखेंगे, तो अभी ये वाला एरिया सिर्फ अभी ये लैंप लगा है, यहाँ पे कुछ और भी लगाना है तो वो भी लगा देते हैं। इसकी ना जिप खराब हो गई दूसरे की, तो अब ठीक कौन कराता, जागरण नहीं हो रहा बेबी, तो
तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने लगा चुके हैं यहाँ पे हमारे अच्छे वाले नए कवर बिछा के, टेबल यहाँ से हटाया है क्योंकि नानू वीडियो बना रही है, तो ये वाला जो हमारे यहाँ का डेकोरेशन वाला क्या रेनोवेशन वाला वीडियो आपको नानू के पेज पे दिखेगा, सुना डॉट नानू पे, ठीक है। एक्जैक्टली, और यहाँ पे हमारे कुछ चेंजेस होने वाले हैं और वो क्या होंगे अभी लाइन पर रहो, बनते हुए दिखेंगे। हमने कुछ मंगाया है जो यहाँ पे हमें स्टिक करना है ऐसे ऐसे, तो वो भी हम लड़की मेहनत शक्ल दिखाई मेहनत वाली मैं तो थक गए भाई साहब। हम ड्राइवर ट्रैवल और फोटोग्राफी दोनों पसंद है, ये हम गाड़ी में जा रहे हैं, फिर हम ट्रैवल कर रहे हैं और फिर बाया टिकट टू समवेयर कहीं का जहाँ से हम वापस ही ना हो पाए, बस घूमते ही रहे। इधर फिर बीचेस है, माउंटेन और ये फ्लाइट है, इधर बोट है, इधर हमारा बैग कैमरा के साथ और गो रेडी टू गो फॉर एडवेंचर। तो ये हमारा थीम हमने यहाँ पे रखा है इस चीज को, ये हमें पसंद है। वो ये सेटअप हो चुका है कम्प्लीट, ये हमने जो नया सेटअप था वो ये था, अभी यहाँ पे थोड़ी सी कमी और है जो यहाँ पे मेरे को फोटोज लगाने हैं हमारे, तो वो भी ज्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा मेस्ड अप लगेगा, क्योंकि ये जो स्टिकर से ऑलरेडी उसने भर दिया है वॉल को, तो हम ज्यादा फोटोज ना लगा के थोड़े से फोटोज यहाँ लगाएंगे बस। ओके, अब जरा यहाँ की लाइट ऑन करके दिखाएं। और तो ये है पूरा सेटअप, अब यहाँ का ये लैम्प का लाइट ऑन करके और जो मेन लाइट है उसको ऑफ करके दिखाते हैं कैसा लग रहा है। लाइट कल आया साथ में, चलो अच्छी बात है, आना ही चाहिए ऐसा तो। जल्द आप हमारा डिनर या फिर कुछ भी लंच या फिर कॉफी डेट जरूर देखेंगे, क्योंकि ये एरिया इसीलिए बनाया गया है। यस, एक्चुअली अभी जो है ना आपको स्लाइड की वजह से ऊपर के जो स्टिकर है बहुत लाइट में दिख रहे होंगे, बट हम आपको इसकी फोटो यहाँ पे दिखाएंगे जो फोटो में आपको एक्चुअल दिखेगा कि कैसा लगने वाला। अब आप बताओ कि आपको ये वाला सेटअप कैसा लग रहा है। तो यहाँ का सेटअप तो कम्प्लीट हो चुका है और यहाँ की फोटोज के लिए अगर आप हमें कुछ सजेशन दे सकते हैं हमारी फोटोज में से ही निकाल के हमारे पेज पे कहीं पर डाले, तो आप हमें यहाँ डीएम कर देना नानो यूवी वाले पे। डीएम ये करना है कि आपको कौन सी ज्यादा अच्छी फोटो लगी है, तो हम वो वाली फोटो निकलवाएंगे और वो फोटो यहाँ लगेगी। प्लास्टिक रॉस्कर को देखो कैसे बैठा है बेचारा, हमारा फैला ही हुआ है अभी। ये पूरा बेड का आज बेडशीट चेंज होने, हर वीकली हमारे बेडशीट चेंज होते, पूरा रूम जब क्लीन हो जाएगा और पूरा जब सेटअप हो जाएगा अब ये रूम आपको हम तब दिखाएंगे। बेडशीट चेंज होने की बात हुई थी, ये देखो क्या हो रहा है, जरा घूंघट हटाने डालो। आशु ऑस्कर ये क्या चल रहा है, बैठ गया, ये तो सो हो गया। देखियो ऑस्कर चले, अरे आशु चले, इनको कैंप में लेके चलो, देखो ये देखो ये देखो, मेरी बेथन होना उठी हुई है सुबह 5 बजे से, सोने उठे हैं लेट, तो मैं जल्दी उठ गई थी, मैं तो 6 बजे उठा, नहीं मैं 5:30 उठा, सॉरी। तो गाइस अभी ये जो हमारे पुराने वाले कुशन कवर्स थे, अब इनके लिए इस बार हम लाए ब्राउन, थोड़ा ब्राउन ब्राउन एरिया बना रहे हैं, व्हाइट एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन। तो ये आप कवर्स देख चुके हो, ये पर्दे भी हमारे ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, तो ये ऐसा नहीं है ये चेंज हो गए, मतलब ये चेंज हो गए इसलिए तो लाए, तो अब कुशन कवर चढ़ा है। ये यहाँ पे कुछ कुछ चीजें, ये यहाँ पे ऐसे कर्टन लगा हुआ है और ये बैक टू रिच हो चुका है, कर्टन चेंज जो नानू को ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है। क्यों नानू पसंद नहीं आ रहा, इसकी शक्ल ही ऐसी है। मैं इसको कह रही हूँ कि भाई अगर नहीं पसंद आ रहा है तो ये पानी ले आ जाए कुएं पे, ऐसे जब कुएं से पानी ले जाता है ऐसे रख देते ना ऊपर मटके रखने के लिए। जाओ नानू, बाय द वे है क्या बताओ, ब्रेसलेट है तुम्हारा गले का पट, ये मैं दिखाता हूँ क्या है, नहीं मत कर बता, ऐसे बता दे, नहीं लड़ाई की हुई ऐसे बता, लड़ाई को ये लड़ाई हुई थी, हाँ लड़ाई हुई है गाइस अभी क्या, अभी इसको इसको पता है वो बात पर मुझे नहीं पता कि लड़ाई हुई है। क्या चम क्या आज, तो हो चुका है घर की क्लीनिंग और सेटअप डन। तो सेटअप में सबसे पहला गेट हम घर दिखाएंगे आज आपको, तो हम मैट ले आए हैं, दूसरा वाला पहला वाला खराब हो गया था, इधर सबको पता है कि ऑस्कर का बेड यहाँ पे हुआ करता था, वो हम हटा चुके हैं। okay. और यहाँ पे अब हमने कर ये पिलो हमारे जो कुशन थे, सॉरी कुशन के कवर्स चेंज कर दिए, ब्राउन हो गए हैं। yes, तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो थीम है लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन और व्हाइट का मिक्सचर है, तो ये जो हमने ऑलरेडी पहले ही ला रखे थे ये मैट्स, तो ये है लाइट ब्राउन, तो ये तब हम बिछाते हैं जब हमने टेबल लगाया था, अब हमने टेबल में लगा दिया। और इधर है डार्क ब्राउन, इधर का ये कर्टन भी चेंज कर दिया है क्योंकि, और ये थोड़ा ऑफ व्हाइट है, ये व्हाइट नहीं है, ऑफ व्हाइट है, गंदा सा वाला जो कलर होता है, गंदा सा वाला कलर। ओके, ये तो रूम आप देख ही चुके हो, तो ये भी पूरा क्लीन हो चुका है, साफ सुथरा हो गया है एकदम। लाइट ऑन करो,
और हमारी बेडशीट बिछ चुकी है जिसपे ये लोग खेल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो क्लीन हो गया है। अब खाना खाना है और थोड़ा रेस्ट करना है और उसके बाद जाना है कहीं। तो लेकिन नानू को अब थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पहले ये चीज मुझे हो रही थी अब इसको भी हो रही है। तो ये जो एयर में पता नहीं क्या एक वायरस नेम चल रहा है नानू नाम का, नानू नाम का वायरस आई बड़ी पक। ओके तो अब हम जाएंगे थोड़ा खाना वाना खाएंगे, बनाना पड़ेगा या मंगाना पड़ेगा, दोनों में से देखते हैं क्या करेंगे, है ना भाई। कितनी खुश हो गई मंगाने के नाम की, देखा। तो और उसके बाद कहीं जाना है, वो जाने वाला वीडियो कहाँ जाना है वो आपको पता चलेगा कल के व्लॉग में, क्योंकि ऑलरेडी ये व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया। और शुक्र देखो इधर नहीं कैसे देख रहा है, नहीं जाना आपको, जाना है। ओके वाला व्लॉग एंड आपको करना है लाइक शेयर कमेंट एंड बताना है कि आपको हमारा दया प्यारा सा सेटअप कैसा लगा, हमें तो बहुत प्यारा सा ही लग रहा है। और यस, जैसे कि आपको पहले बोला था कि आप हमारी मतलब आपको जो भी हमारी फोटोज फेवरेट लगती है वो आप हमें डीएम कर सकते हो या तो अपनी स्टोरी पे लगा सकते हो और बोलना है मतलब लिख देना उसमें कि ये वाली फोटोज में हमारी फेवरेट है, मतलब जो भी लगा रहे हैं उनकी, तो हम देखेंगे उसमें से हमें कितनी चाहिए फोटो, पता नहीं अब देख लेते हैं। ओके जितने भी चाहिए अब देखते हैं जिसकी कौन सी फेवरेट है, हमें भी तो पता चले कोई फेवरेट है अभी की नहीं। यस और कल का व्लॉग मतलब सैटरडे का व्लॉग, जैसे मैंने बोला है कि सैटरडे के व्लॉग पे मैं कमेंट करूंगी, तो अभी तक मैंने नहीं किया है, तो कल के व्लॉग पे आज चुके होंगे, अभी शायद मैं फ्री होके मैं मतलब सैटरडे वाले व्लॉग पे मैं कमेंट किया करूंगी हर बार डेली रेगुलर। चलो गाइज करते हैं यहाँ पे ये व्लॉग एंड आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे जल्दी हम आपको लाइव मिलेंगे और यहाँ पे 30,000 हो जाएंगे, यहाँ पे भी हम आपको लाइव मिलेंगे। आपको बस आज इस तरीके से अपना प्यार क्या बरसाते रहना है। गुड बाय टूडल्स।